मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक शासकीय कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने राजनीतिक भाषण दिया, एक डाक टिकट जारी किया। इसे लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल निर्वाचन आयोग में शिकायत लेकर पहुंचा। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में भाजपा और पीएम मोदी की शिकायत की है। कांग्रेस ने कहा, चित्रकूट में डाक टिकट के जारी करने के कार्यक्रम में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का आरोप है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। के मिश्रा ने कहा, हमें पूरा भरोसा है निर्वाचन आयोग मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और मामला दर्ज करेगा। प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी और मध्य प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट आदरणीय अजय गुप्ता साहब के नेतृत्व में अभी हम लोग निर्वाचन आयोग जी के नाम पर ज्ञापन लेकर आए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी चित्रकूट पधारे थे और उनके साथ बुधनी विधानसभा के उम्मीदवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी भी मौजूद थे। पोस्टल डिपार्ट के एक सरकारी कार्यक्रम में डाक टिकट का विमोचन किया गया है, जिसमें बतौर उम्मीदवार माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे। उस डाक टिकट वितरण में राजनीतिक भाषण दिया गया है और किसी भी शासकीय कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं बनाया जाना चाहिए, यह आचार संहिता में स्पष्टतः उल्लिखित है। तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने घोषित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दूसरी मांग हमने उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में की है कि जिनकी अपने होम टाउन के बाहर निर्वाचन में ड्यूटी लगी है, उन्हें पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर इलेक्शन कमीशन का माननीय अशोक सिंह जी ने और माननीय अजय गुप्ता जी ने निर्वाचनों का ध्यान आकर्षित करवाया है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में जिस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो और सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, 188 के तहत इनके विरुद्ध कार्यवाही हो, इस तरह के दौरों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन प्रदेश में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने के लिए अपनी निष्पक्षता के साथ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति जो उल्लंघन करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हमने निर्वाचन आयोग से प्रार्थना की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।